हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेकर आ गई हूँ रामेश्वर, जो साउथ का टेंपल है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। और ये अग्नि तीर्थम स्थान है, जहाँ पर स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। और श्री राम प्रभु ने रावण का वध करके यहाँ पर स्नान किया था और भोलेनाथ के पूजा की थी, अर्चना की थी, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था। वही शिवलिंग आज यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, यहाँ पर निर्माण किया हुआ है श्री राम प्रभु और सीता माँ ने। और आप देख सकते हैं रामेश्वर मंदिर का ये द्वार है, यहाँ पर 4 मुख्य द्वार है और आप कहीं से भी अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और यहाँ पर अंदर 22 कुएं का निर्माण किया है श्री राम प्रभु ने, क्योंकि श्री राम प्रभु को रावण के वध करने से ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, तो वो पाप हटाने के लिए प्रभु को स्नान करना था। जो यहाँ पर समुद्र देव खारा पानी था, लेकिन मीठे पानी से उसको स्नान करने से मुक्ति मिलती थी, इसीलिए उसने बाण से 22 कुओं का निर्माण किया था और उससे स्नान किया था। और फिर भोलेनाथ का पूजा अर्चना की थी और यहाँ से उसको पाप से मुक्ति मिली थी। तो यह 22 कुंड का महत्व है कि यहाँ पर आने से पहले आप अग्नि तीर्थम स्थल में स्नान कीजिए, फिर आप अंदर जब प्रवेश द्वार में जाइए, फिर उसमें 22 कुंड है उसका स्नान कीजिए, और उसके बाद आप भोलेनाथ प्रभु का दर्शन कीजिए। आप देख सकते हैं मैं सूर्य को अर्घ दे रही हूँ। और यहाँ पर तीर्थ में हम पूजा अर्चना करते हैं और ऐसे ही धार्मिक स्थानों पर आप देख सकते हैं मैंने पार्थिव शिवलिंग का फिर निर्माण किया हुआ है और मैंने पार्थिव शिवलिंग बना के उसकी पूजा अर्चना की है। और समुद्र देव भी इसका जड़ अभिषेक कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत पार्थिव शिवलिंग मैंने बनाया है। यहाँ पर सभी लोग आते हैं और ऐसे ही पूजा करते हैं। और ये रामेश्वर मंदिर का द्वार है, यहाँ पर प्रवेश करने के बाद आपको लाइन में खड़ा होना होता है, और फिर 22 कुंड के लिए भी लाइन होती है, उसमें भी आप स्नान करने के बाद शिव जी के दर्शन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है, इतना खूबसूरत मंदिर है। और साउथ के टेंपल तो बहुत ही बड़े होते हैं, ये मैंने देखा। और ऐसे ही मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक